अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिसमें एलिम्को कानपुर एवं समग्र शिक्षा के संयुक्त प्रयास से दिव्यांग बच्चों के लिए सहयोगी उपकरण की व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला समन्वय बेसिक शिक्षा द्वारा 750 दिव्यांग बच्चों को 1050 उपकरणों का वितरण किया गया, जिसमें 46 ट्राई साइकिल, 107 व्हील चेयर, 42 सीसी चेयर, 406 एमआर किट, 27 ब्रेल किट, 20 स्मार्ट केन तथा 228 श्रवण यंत्र और 35 कैलिपर वितरण किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने बताया कि हम सभी को शिक्षक के रूप में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से कम न समझें, अपनी लगन, मेहनत और ईश्वर की शक्ति को एकत्रित करते हुए मेहनत करें ताकि जीवन में आगे सफल हों और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। इस अवसर पर विशाल जायसवाल, शैलेश श्रीवास्तव, आरपी सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं विकलांग छात्र छात्राएं तथा परिजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिव्यांग छात्र अग्रण मिश्रा, बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने कहा, के अवसर पर मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड बीएसए सर, रिस्पेक्टेड डब्ल्यूओ सर, रिस्पेक्टेड और सर को बुके प्रदान करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड बीएसए सर का इनको दीजिए नाम गौर प्रिया, अरे भी फोटो खींच लीजिए इनको पैर में। स्वागत करने के लिए हम रिस्पेक्टेड बीएसए सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अपने कर कमलों से भी इस क्षण को अभिभूत करें कि सर ने अपने व्यस्ततम समय में इन बच्चों के करी स्वामी कहाँ तू बीरा बजा रही है माँ शारदे मन जुगान से। कैलिपर के पांच बच्चों को लेके भैया एम आर किट के बाद सर पीछे पीछे गिर जाए सर, हट जाओ सारे लोग निकलते जाइए सर। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे समेकित शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज ट्राई साइकिल का वितरण, चेयर का वितरण, सीसी चेयर का वितरण, साथ ही साथ एमआर किट का वितरण, हियरिंग एड का वितरण, कैलिपर्स का वितरण दिव्यांगता के अनुरूप किया गया है। आप मैडम लोग आप लोग इधर से निकल मेरा नाम आकरण मिश्रा है सर, मैं आज अपने बारे में आज आप सबके बीच कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं सर। जैसे मैं जिस कठिनाइयों का सामना किया सर, आज वो हमें आसान लगने लगा। जैसे सर मैं इस कैंप से शुरू से ही इस कैंप से मैं पढ़ा और आज पढ़ते पढ़ते मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, और इस वक्त हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल भवापार में हम इस समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे टीचर्स हमारे अभी किसको समझ सर क्या
अपने कामयाबी को किसको संदेश देना चाहेंगे? सर, हम अपने कामयाबी को मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने अश्विनी सर को देना चाहता हूँ, और जी इन्होंने हमें इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुँचाया है, और हम इन्हें दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समेकित शिक्षा की ओर से आज समस्त उपकरण जो है बांटने का कार्यक्रम व्यवस्थित किया गया था। ऐसे बच्चे जो अपनी मुख्यधारा में बच्चों को लाने के लिए, उनको जो विशिष्ट जन है उनको मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न उपकरण शासन सरकार द्वारा ये व्यवस्था दी गई है। 2000 से ये व्यवस्था सशक्त रूप से जारी है, और इन बच्चों के कार्यक्रमों को आयोजन, इनके खेलकूद का भी आयोजन किया गया है। इनको खेलकूद में मुख्यधारा में लाने के लिए, इनको विशेष रूप से इनमें आत्मसम्मान, इनमें जो है अपना एक लाने के लिए कि मैं हम मुख्यधारा में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, समर्पण भाव से इसमें संलग्न हो सकें। ऐसे माता पिता को जो इनके बच्चे इनको शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, उनके प्रति भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनको सम्मानपूर्वक उनका आदर करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने को आप किसी से कम न माने, अपनी लगन मेहनत से और अपने पूर्ण मनोवेग से जो ईश्वरीय शक्ति प्रदान की जाती है उसको एकत्र करते हुए और अपने को फुल ताकत के साथ लगें, ताकि जीवन में आगे सफल हों, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस है। इसके उपलक्ष में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको इनकी पढ़ाई में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स एलिम्को के द्वारा वितरित किए जाते हैं। हम ऐसे अभिभावकों को और ऐसे बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और अपने स्पेशल एजुकेटर्स का धन्यवाद देना चाहते हैं, और DC विवेक का, कि इन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और ऐसे बच्चों के साथ ही लोग लगे हुए हैं, और इन बच्चों के विकास के लिए हम लोग मुख्यधारा में इनको जोड़ने के लिए पूरी तन्मयता के साथ हमारा विभाग लगा हुआ है। पुरस्कार वितरण भी किया गया है। इसमें हमारे बच्चों के मत बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई हैं, खेल हुए हैं और तमाम कंपटीशन हुए हैं, कल्चरल एक्टिविटी भी हुआ है, तो ऐसे बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।